बच्चों, आज के इस धर्म शिक्षण में आप सबों को स्वागत। चलो हम प्रभु से दुआ मांगे और धर्म शिक्षण प्रारंभ करेंगे। हे त्रित्व एक परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा को भेजकर हमें शक्ति दे ताकि हमारे धर्म शिक्षा के अनुसार हम अपने जीवन बिताए। पिता पुत्र और हाँ बच्चों, आज हम 13वां अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे धर्म शिक्षण में हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? मुक्ति की राह पर हमारी इस यात्रा में ईश्वर की आज्ञाएं, उनका उद्बोधन हमें कैसे सहायता देते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका 13वां अध्याय में अभी हम पढ़ेंगे कलीसिया के नियमों के बारे में। हम पढ़ चुके हैं, ईसा ने मूसा द्वारा पुराने विधान की जनता को आज्ञाएं दी थी। कितने आज्ञाएं दी है बच्चों? 10 आज्ञाएं। जिन लोगों को ईसा ने मूसा द्वारा प्रभु ने आज्ञाएं दिया है वे है इसराइली जनता। उनकी संतान भी इन आज्ञाओं का पालन करने को बाध्य है। नए विधान में कलीसिया की संतानों भी इन आज्ञाओं का पालन करने को बाध्य है। कलीसिया की संतान का मतलब क्या है बच्चों? हम हरेक जो बपतिस्मा द्वारा कलीसिया के संतान बन गए हैं, हम भी इन आज्ञाओं का पालन करने को बाध्य है। हम सब नए इसराइल के सदस्य हैं। पुराने विधान में दी गई आज्ञाओं की व्याख्या देकर ईसा ने नए विधान में उन्हें पूर्ण कर दिया। ईश्वर की आज्ञाएं सब लोगों के लिए है, किसी को उन्हें बदलने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनकी व्याख्या करने उन्हें समझाने और सिखाने का अधिकार ईसा ने कलीसिया को दिया है। कलीसिया की शिक्षा के अनुसार हमें ईश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार करने और जीवन में अमल करने का ध्यान देना चाहिए। ईसाइयों की अगुवाई करने और उन्हें शिक्षा देने का अधिकार ईसा ने प्रेरितों को दिया। उनके द्वारा यह अधिकार कलीसिया को प्राप्त है। प्रभु परमेश्वर ने पहले आज्ञाएं मूसा द्वारा दिया है, नए विधान में प्रभु ईसा मसीह हमें नई आज्ञा दिया है, हम पढ़ चुके हैं। और प्रभु ने अपना इस अधिकार प्रेरितों के हाथों में सौंप दिए। अब प्रेरितों से ये अधिकार कलीसिया को प्राप्त हुआ है। अभी हम देखेंगे कलीसिया के नियम क्या है। विश्वासियों को अनंत जीवन प्राप्त करने के कई मार्ग कलीसिया हमें सिखाती है। ईश्वर की आराधना करना, संस्कारों को स्वीकार करना, आज्ञाओं को पालन करना, ये इनमें प्रमुख है। तो जब हम बपतिस्मा द्वारा कलीसिया का सदस्य बन जाते हैं तब से हमें इन सबों का पालन करना है, इन सबों को हमारे जीवन में अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। इनके साथ साथ कलीसिया समूह की स्थिरता एवं बढ़ावे के लिए कुछ उपयोगी आज्ञाएं भी कलीसिया हमें देती है। इन संस्कारों, इन मार्गों के अलावा कलीसिया हमें कुछ आज्ञाएं भी देते हैं। इस नियमों का रूप धारण कालांतर में हुआ है, एक जैसे अचानक आया हुआ नियम नहीं है। ये है कलीसिया के 5 नियम। इन नियमों का उद्देश्य समझकर उनका सही पालन करने का कर्तव्य कलीसिया के हर सदस्य का है। तो जैसे हम कलीसिया के सदस्य हैं, हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कलीसिया के इन 5 नियमों का, उनका उद्देश्य समझकर उनका सही रूप से, सही ढंग से उनका पालन करना। उसमें पहला नियम है, रविवारों और हुक्म पर्वों में
पवित्र बलिदान में भाग लेना। ऐसा कोई काम नहीं करना जो उन दिनों की पवित्रता को भंग करे। कलीसिया का पहला नियम है रविवारों और हुक्म पर्वों के दिनों में पवित्र बलिदान में भाग लेना है। इन दिनों में ऐसा कोई काम नहीं करना जो इनकी पवित्रता को भंग करते हैं। शायद आपको अभी याद आया होगा ईसा दिया प्रभु परमेश्वर से दिया हुआ आज्ञा में तीसरा आज्ञा के बारे में। ईश्वर की दिन 10 आज्ञाओं में तीसरी आज्ञा से इस नियम संबंध है। तीसरा आज्ञा क्या है बच्चों? विश्राम दिवस को पवित्र मानो। हम पढ़ चुके हैं। इसका क्या मतलब है? कलीसिया की सर्वोच्च आराधना है पवित्र बलिदान। पवित्र बलिदान में भाग लेना और परम प्रसाद ग्रहण करना एक ईसाई के जीवन का बहुमूल्य अनुभव है। अभी आपको इसके बारे में अच्छे तरह अनुभव मिला होगा। इस कोरोना के अवसर पर बहुत दिन हमें पवित्र बलिदान में भाग लेने का अवसर नहीं मिले थे। अब हमको उस अवसर फिर से वापस मिले हैं। तो हम इस अवसर को कैसे, उससे फायदा कैसे उठाना है? पवित्र बलिदान का क्या महत्व है बच्चों? पवित्र बलिदान से जो शक्ति मिलती है वही हमें पवित्र जीवन बिताने की क्षमता देती है। इसलिए जितना भी दिन, जो भी दिन हमको पवित्र बलिदान में भाग लेने का अवसर मिलता है उसका हम फायदा उठाना है। रविवार के दिनों में पवित्र बलिदान से भाग लेना कलीसिया के सदस्यों का कर्तव्य है। तो पहले कलीसिया के पहले नियम के द्वारा यह हमारा दायित्व बन जाता है कि रविवार के दिनों में पवित्र बलिदान में भाग लेना हमारा जिम्मेदारी बन जाता है। अगर हम पवित्र बलिदान रविवार के दिन पवित्र बलिदान में भाग लिया नहीं तो हमें पाप संकीर्तन में, मेल मिलाप के संस्कार में हमें उसको उसके बारे में प्रभु से माफी मांगने का है, ये पाप बन जाता है। कलीसिया का निर्देश है कि हम पवित्र बलिदान में पूर्ण रूप से भाग ले। संभव हो तो अपने ही पैरिश में पवित्र बलिदान में भाग लेना चाहिए। पैरिश के समूह के विकास और एकता के लिए यह अनिवार्य है। तो जैसे हम रविवार के दिन पवित्र बलिदान में भाग लेने के लिए जाएंगे तो हमारे अपने अपने पैरिश में पवित्र बलिदान में भाग लेना है, तो ही हम विश्वासियों का एक समूह बनकर आगे बढ़ेंगे। कलीसिया के साथ विचार करने और उसके साथ कार्य करने के अवसर के रूप में रविवार को देखना चाहिए। ईश्वर की आराधना में भाग लेने और दया के कार्यों में लगे रहने के लिए ही कलीसिया उस दिन अन्य काम नहीं करने का अनुरोध करती है। ये विश्राम दिवस के बारे में जब हम पढ़े हैं हम देख चुके हैं कलीसिया, और दोबारा हम अभी देखेंगे कलीसिया के नियम के द्वारा हम पवित्र रविवार कैसे पवित्र मानना है। रविवार के जैसे ही हुक्म पर्वों को भी मानना अनुरोध इस नियम के द्वारा कलीसिया हमसे करती है। तो जैसे हम पवित्र रविवार को पवित्र मानते हैं वैसे हुक्म पर्वों के दिन भी मानना पड़ेगा। हम देख चुके हैं जब हम प्रभु की आज्ञा के बारे में पढ़े हैं, पहले आज्ञा तीसरी आज्ञा के बारे में पढ़े हैं, हुक्म पर्वों के दिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हुक्म पर्व कौन 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 से है बच्चों? अपने सिरोमलबार कलीसिया में क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर और दुखराना, संत थॉमस का पर्व 3 जुलाई और माता मरियम का स्वर्गारोपण का त्यौहार 15 अगस्त और दनखा का त्यौहार 6 जनवरी और प्रेरित संत पेत्रुस और पौलुस का पर्व 29 जून को और प्रभु का स्वर्गारोहण का पर्व। सिरोमलबार कलीसिया में ये 6 है हुक्म पर्वों का दिन। तो इन दिनों को भी रविवार के दिन जैसे हम मानना है। अभी हम देखेंगे कलीसिया का दूसरा नियम।
कम से कम साल में एक बार मेल मिलाप संस्कार स्वीकार करना और पास्का के समय योग्य रीति से परम प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। कलीसिया हमें सिखाती है कम से कम साल में एक बार मेल मिलाप संस्कार स्वीकार करना और पास्का के समय योग्य रीति से परम प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। कम से कम का मतलब क्या है? जब भी हमको उसका सुविधा मिलता है हम करना ही है। अगर कुछ सुविधा नहीं मिले तो कम से कम साल में एक बार करना, वो हम अगर पास्का पर्व के समय करें तो अच्छा है। संस्कारों को ग्रहण करना क्रिस्तीय जीवन में बहुत अनिवार्य है। पापों की क्षमा के लिए बीच बीच में मेल मिलाप संस्कार स्वीकार करने का निर्देश कलीसिया देती है, लेकिन यदि कोई किसी कारणवश ऐसा नहीं कर सका तो उसे कम से कम साल में एक बार मेल मिलाप संस्कार स्वीकार करके परम प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यही इस नियम का सारांश है। तो दूसरा कलीसिया का दूसरा नियम का सारांश क्या है बच्चों? संस्कारों का ग्रहण करना सब क्रिस्तीय का उनके जीवन में बहुत अनिवार्य है। पापों की क्षमा के लिए बीच बीच में हम क्या करना है? मेल मिलाप संस्कार स्वीकार करने का है। अगर हमको कुछ भी कारणवश ऐसा नहीं कर सका तो उसे कम से कम साल में एक बार मेल मिलाप संस्कार स्वीकार करके परम प्रसाद ग्रहण करना है। इसलिए कलीसिया पास्का समय इसके लिए प्रस्तुत करती है। क्यों पास्का का समय दिया है? पास्का समय का तात्पर्य है बड़े उपवास काल के आरंभ से लेकर पवित्र त्रित्व के पर्व के पिछले दिन की अवधि। इस काल में कभी भी हम पाप संस्कार और मेल मिलाप का संस्कार कर सकते हैं। इस काल के पवित्र या बड़े सप्ताह में कलीसिया मुक्ति के रहस्यों की विशेष रूप से याद करती है। पास्का समय का क्या विशेषता है? हमें पवित्र गुरुवार, पवित्र शुक्रवार, इन सब दिनों में हम बड़े बोलते हैं बड़े सप्ताह। होसाना के बाद आने वाले सप्ताह है बड़े सप्ताह। बड़े सप्ताह में हम कल हमारी मुक्ति के बारे में मनन चिंतन करते हैं। इसलिए इस अवधि में निश्चित रूप से मेल मिलाप संस्कार स्वीकार करके करने के लिए कलीसिया अनुरोध करती है। हमें जितना भी अवसर मिलते हैं हमें मेल मिलाप के संस्कार करना है। अगर नहीं कर सकते तो कैसे तो भी पास्का के समय में, वो भी हो सकते तो बड़े सप्ताह में हम मेल मिलाप के संस्कार स्वीकार करना है। अब बच्चों हम ईश वचन पढ़ेंगे और उसका वर्णन करेंगे। हमें दिया गया है संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17-20 तक। उसमें से लिया हुआ मार्गदर्शन का पवित्र वचन है, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। अब एक हफ्ते में हम क्या करना है? कलीसिया के पहले दो नियमों को पढ़ना है। अभी हम पढ़ चुके हैं दो नियम, वो कंठस्थ कीजिए। और ये हफ्ते में हम क्या निर्णय लेंगे? पास्का के इस अवसर पर मैं मेल मिलाप का संस्कार ग्रहण करूंगा और करूंगी। अभी हम पास्का पर्व के लिए आगे बढ़ रहे हैं उपवास काल में, तो हमें जैसा हमको अवसर मिलता है मेल मिलाप का संस्कार ग्रहण करना ही है। अब हम कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला, ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति कलीसिया की क्या अधिकार है? अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए कलीसिया हमें कौन कौन सा मार्ग सिखाती है? तीसरा, कलीसिया की सर्वोच्च आराधना क्या है? चौथा, पवित्र बलिदान में भाग लेने से हमें क्या मिलती है? पांचवा,
कलीसिया के दूसरे नियम का सारांश क्या है? इन पांच प्रश्नों का उत्तर देखकर अपने किताब में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो कलीसिया के नियमों का हमारे जीवन में हम पालन करेंगे। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। हेलो बच्चों, तो हम देख चुके हैं कलीसिया के पहले दो नियम, तो ये हफ्ते हम उसका कंडक्ट करेंगे और हमारे जीवन में उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, हम प्रभु को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, मूसा द्वारा दिया हुआ 10 आज्ञाओं के बारे में और कलीसिया के नियम के बारे में आप हमें सिखाया, हमारे जीवन आलोकित कर, ताकि हम आपके आज्ञाओं को पालन करके हमारे जीवन मुक्ति के राह पर अच्छी तरह बिताएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।